अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं हाफिज़ अबरार आप लोग की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है मिडनाइट सन और मुर्कदिद। ये मुर्कदिद जो है नॉर्वेजियन वर्ड है, इसका मतलब है कि डार्क टाइम। और जो मिडनाइट सन है, ये तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि आधी रात का सूरज। तो ये दो बड़े अजीब फेनोमेना है जिसके बारे में मुझे नॉर्वे आके प्रैक्टिकली इसको मुझे देखने का मौका मिला। तो मैं आपको बताता हूँ अभी आज ये ब्लॉग बनाने का मकसद क्या है। आज है 21 जनवरी, और 21 जनवरी को टेक्निकली दो महीने के बाद मेरे शहर में, यानी कि मेरे शहर त्रोमसो में सनलाइट निकलेगी। यानी कि आप जो अब रोशनी बाहर देख रहे हैं, ये डायरेक्टली त्रोमसो के अंदर सनलाइट के ज़रिए से अब आना शुरू हुई है आज के दिन से। आज के दिन में पूरे त्रोमसो के अंदर सेलिब्रेशन की जा रही है, जिसके अंदर लोग जो हैं वो सुला बोला कहते हैं वो खाते हैं, यानी कि छोटा सा बन होता है मीठा, वो खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और बाहर जाके वॉक करते हैं और सनलाइट को देखते हैं और सनलाइट में खड़े होते हैं और एक दूसरे से गपशप लगाते हैं, सन को वेलकम करते हैं बेसिकली। अब ये ट्रेडिशन कब से चलती आ रही है इसके बारे में तो कोई पक्की जो है नॉर्वेजियन में किसी जगह में इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, लेकिन ये बहुत पहले से ये काम होता आ रहा है, इसलिए ये लोग भी इसको एज अ कल्चरल सेलिब्रेट करते हैं जब सनलाइट यहाँ पे इस शहर में वापस आती है। तो त्रोमसो में आज सेलिब्रेशन हो रही होगी, और जो कोई और शहर है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर वहाँ पर किसी और दिन सेलिब्रेशन हो रही होगी। गर्ज ये कि जिस दिन टेक्निकली जहाँ जहाँ पर सनलाइट आती जाएगी, वो लोग उस दिन वहाँ पर सनलाइट को वेलकम कहेंगे। तो ये सनलाइट अभी आना शुरू हुई है। इससे पहले क्या था? इससे पहले जी अंधेरा था, नीले रंग का आसमान दिन रात रहता था, और उस टाइम को कहते हैं मुर्कदिद, यानी कि डार्क टाइम। उसमें सनलाइट डायरेक्टली आपके शहर में नहीं आ रही होती है, और आप दिन हो या रात हो आपके लिए अंधेरा ही होता है। दिन के टाइम भी आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन होती है, रात के टाइम भी आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन होती है, और उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी को विटामिन्स नहीं मिल रहे होते। सनलाइट की वजह से आपकी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो प्रॉपर्ली नहीं हो रहे होते, बॉडी में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं विटामिन डी की, तो आप उसके लिए ओमेगा 3 और इस तरह की दूसरी तीसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारे एशियन कंट्री से लोग आते हैं वो उस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करते इनिशियली, और वो आके फौरी तौर पे अपने जिस्म में दर्द महसूस करते हैं एक दो महीने के बाद, और वो मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ प्रॉब्लम्स में मुब्तला हो जाते हैं। उसके अलावा इस टाइम पीरियड के अंदर जो डार्क टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के अंदर आप डिप्रेशन को भी बहुत ज़्यादा अपने सर पे ले लेते हैं, क्योंकि हर तरफ लोनलीनेस होती है, अंधेरा होता है तो इतना मिलना मिलाना नहीं होता, तो लोनलीनेस की वजह से और लाइट कम होने की वजह से आँखों को रोशनी, आप इमेजिन करें आपको एक कमरे में या एक घर में बंद कर दिया जाए और आपको आसमान ना देखने दिया जाए, तो दो महीने के बाद आपकी आसमान को देखने की कितनी ख्वाहिश होगी। वो एक बादशाह थे ना उधर के बड़े सगीर के, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं नाम उनका लिख दूंगा, तो वो जब उनका इंतकाल होने वाला था, उनको सज़ा मिली हुई थी, तो जब उनका इंतकाल होने वाला था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे आसमान देखने दो, मैं आसमान को देखना चाहता हूँ। मेरे ख्याल है बहादुर शाह जफर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि मुझे आसमान देखना है, तो वो कैद में थे तो उनको आसमान देखने के लिए बाहर खुली फिज़ा में नहीं जाने दिया गया था। तो आप इमेजिन करें कि आपको आसमान ही नज़र नहीं आता, इतना अंधेरा होता है, हर चीज़ ब्लू होती है, हर तरफ स्नो पड़ी होती है। तो ये मुर्कदिद का टाइम जो है टेक्निकली त्रोमसो में आज के दिन जो है वो ख़त्म हो गया, और लोग इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जो लोग जॉब्स पे हैं वहाँ पे वो सुला बुला खा रहे हैं, साथ में कॉफ़ी पी रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं कि हम इस साल छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे। और इसी तरह ये टाइम पीरियड आगे सन का टाइम बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 एक वक्त ऐसा आएगा जिसके अंदर सन गुरूब ही नहीं होगा, यानी कि सूरज जो है वो रात होगी नहीं, दिन ही रहेगा। यानी कि आप रात को 11, 12, 1, 2 बजे भी बाहर जाएंगे तो डे लाइट होगी, यानी कि जो हमारे भाई क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं वो रात को 2 बजे बग़ैर किसी लाइट के क्रिकेट खेल सकते हैं नॉर्वे के अंदर इन एरियाज़ के अंदर, क्योंकि सन तो गुरूब हो ही नहीं रहा, तो रोशनी रोशनी है। इस पर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था आज से एक दो साल पहले, और मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसके अंदर मैंने मिडनाइट सन दिखाया था। वो टाइम जून और जुलाई में आएगा, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इस मरतबा आपको उसके भी थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में उसका व्यू दूँ। तो थोड़ी ताहम
मिडनाइट सन और मोर के तिल, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त फिनोमेना है, लाइव मैंने व्यू किया है। पिछले 2-3 महीने से हम लोग अंधेरे में थे और आज मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा ब्राइट डे है आज, और ऐसा जो है ना वो ऐसी लाइट मैं मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सालों के बाद देखी है। हालांकि हर साल ऐसे होता है 3-4 महीने के बाद सूरज निकलता है, लेकिन जैसे कि जो है ना मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे रहने वाले तमाम लोगों के लिए सरप्राइजिंग है और वो सूरज को वेलकम करते हैं, इस तरह हम भी वेलकम करते हैं कि भाई आओ हमारे पर रोशनी डालो और हमारे विटामिन की कमी को पूरा करो। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मैं नेट पर रिसर्च कर रहा था तो उसमें मुझे पता चला यहाँ पे कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो है ना एक पत्थर है जो काफ़ी ऊंचा है और उसके ऊपर सबसे पहले सनलाइट पड़ती है उस इलाके में, और वहाँ पे उसके इर्द गिर्द जो है ना फायर के यानी कि आग के आतिश के निशान आते हैं, और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिससे कि पता चलता है कि यहाँ पे सेक्रीफाइस किया जाता था कुछ चीज़ों को, और सूरज की जो है ना वो प्रस्तिश की जाती थी, पूजा की जाती थी। तो सूरज की जो है ना वो पूजा करने वाले लोग उस इलाके में भी, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी किसी ज़माने में रह चुके हैं, तहम उसके असरात वहाँ पे जो है ना वो इन्होंने देखे हैं, वहाँ पे उसके बाकियात देखे हैं इन्होंने। तहम ये नॉर्वे के लोगों को भी नहीं पता ये जो सनलाइट को वेलकम करने वाली जो ये रस्म है ये कब से चली आ रही है, बस इनको ट्रेडिशनली ये चीज़ मिली है तो इन्होंने भी इसको आगे फॉलो करना शुरू कर दिया है। और हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे आए नॉर्वे के अंदर, और हमें भी जब रात इतनी सारी मिलती है 3 महीने की, उसके बाद जब सनलाइट निकलती है तो हमें भी खुशी होती है कि भाई चलो हर चीज़ नज़र आ रही है, हर चीज़ ब्राइट है। यानी कि इमेजिन करें कि मैं यहाँ से अपनी खिड़की से बाहर देख रहा हूँ और मुझे साफ रोड नज़र आ रहा है, और पिछले 3 महीने से ऐसा नहीं था, बाहर देखने पर आपको सिर्फ ब्लू ब्लू हर चीज़ ब्लू नज़र आती थी। तो बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला का, और बहुत एहसान है कि उसने दोबारा सूरज देखने की तौफीक दी, और जो है ना आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे जो है ना व्लॉग को देखा आखिर तक। और अगर मेरे व्लॉग पसंद आया होगा आपको, और अगर मेरा व्लॉग आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इसको आगे शेयर करें, और लोगों से भी आप डिस्कस करें, और कोशिश करें कि अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि यहाँ के लोग 3 महीने के बाद सूरज की रोशनी को देख के ऐसे उछलते हैं जैसे बच्चा कैंडीज को देख के जो है वो उछलता है जब उसके पेरेंट्स उसको कैंडी दिलाते हैं शॉप पर। तो इसी तरह यहाँ के लोग भी जो है ना सूरज को देख के जो है ना वो बिल्कुल मचल जाते हैं कि देखो जी, देखो जी सन आ गया, सन आ गया। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।